वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज आपके साथ अपना दिवाली क्लीनिंग रिटर्न शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, जितने भी घर में प्लास्टिक की बॉटल्स, डिब्बे, डिब्बियाँ होती हैं, ये सारी मैंने जो है हटा दी हैं। वेस्ट जितनी भी थी सब निकाल दी है, और जिनको ज़रूरत होगी वो उनको दे दूँगी, नहीं तो मैं इसको कबाड़ी को दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इस बार मैंने क्लीनिंग करने के लिए खाली खुद का नहीं यूज़ किया है, अपने हेल्पर्स की भी मदद ली है, हस्बैंड की भी, बच्चों की भी, और जो घर में काम हेल्पर करते हैं उनकी मदद ली है। तो सब लोग ने मिलकर सफाई करी है। ये देखिए, फैंस साफ़ हो रहे हैं, तो सारे कमरों के फैंस मैंने साफ़ कर लिए हैं। ये ऊपर देखिए, जितने भी जाले वगैरह होते हैं वो सब साफ़ किए जा रहे हैं। ये मैंने अपने रूम की डस्टिंग पूरी कर ली है। देखिए, इस तरीके से आप लोग भी क्लीनिंग करिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप झाड़ू का यूज़ करिए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस वगैरह आ गए हैं, आप किसी भी से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं देखिए वॉल पर, वॉल पे हमारा वॉलपेपर लगा हुआ है, इसको भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि काफ़ी इस पर डस्ट जमा होती रहती है, तो दिवाली पर सब अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। तो अब ये देखिए, पलंग के ऊपर जो ये लगा रहता है बैक का पोर्शन, उसको भी पोंछ रहे हैं, अच्छे से उसको साफ़ करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट रहती है। तो पूरे रूम की क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो गई है। तो अब आ गए हैं किचन में, किचन में साफ़ हो रही है चिमनी। तो चिमनी का ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। हम लोग जो है नीचे की जो चिमनी जहाँ से जलती है वहाँ तो अच्छे से सफाई करते, पर ऊपर नहीं करते, तो इसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ये अब मैंने किचन के कैबिनेट्स भी साफ़ कर लिए हैं सारे खोल खोल के, और इसके बाद मैं इसको सेटल कर दूँगी। सारे कैबिनेट्स अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए, और जितने नए बर्तन वगैरह थे वो भी सब अच्छे से वॉश करके लगा दिए। देखिए, फिर जब ये सूख जाएंगे तो इनको अपने प्लेस पे लगा दूंगी। सारे बर्तन बढ़िया तरीके से वॉश हो गए हैं, और फिर पोछना भी पड़ेगा इनको, और पोछ के इनको फिर मैं सेट कर दूंगी। और इसके अलावा देखिए, मैंने किचन को भी पूरी तरीके से सेट कर लिया, हर चीज़ पे देखिए अच्छे से लेबल वगैरह लगा के सेट कर लिया, ताकि किसी भी चीज़ को ढूंढने में दिक्कत ना हो। अच्छे से बॉटल्स को साफ़ करके, वॉश करके, सुखा के हर चीज़ इसके अंदर भर दी है, और बहुत ही देखिए नीट एंड क्लीन लग रहा है। और इसके डोर को भी मैंने यूटिलाइज़ किया है, हुक्स लगा के पे अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो इधर उधर हो जाती हैं, उनको अच्छे तरीके से सेट कर दिया, ताकि जब हमें टाइम पे ज़रूरत पड़े तो आसानी से मिल सके। तो अब मैं आपको दूसरा ये दिखा रही हूँ क्लोज़ेट, इसमें भी देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से लेबल करके, साफ़ सुथरा करके बिल्कुल किचन को रख दिया। और किचन पर जो है मैंने लाइनिंग भी बिछा दी है सारी शेल्फ्स के ऊपर, ताकि जो है ज़्यादा गंदगी वगैरह ना हो, और अच्छे से सेट कर दिया। देखिए सारा सामान एक तरफ, ड्राई फ्रूट, और ये देखिए इसके डोर को भी मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, हर चीज़ डोर पर भी मैंने हुक्स लगाकर टांग दिए, ताकि सब अपनी जगह सेट रहे, और किसी को भी कभी भी ज़रूरत हो मिल सके, ज़्यादा ढूंढना वगैरह ना पड़े। ये मेरे किचन का नीचे पोर्शन है जहाँ मैं बड़े बॉक्सेस वगैरह रखती, इनको भी क्लीन करके अच्छे से लेबल वगैरह कर दिया है कि किसमें क्या पड़ा हुआ है। देखिए हर चीज़ अच्छी तरीके से सेट कर दी है। विंटर्स आने वाली हैं, तो जग भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, तो ये भी हिस्सा मेरा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ ड्राॅइंग रूम में, ड्राॅइंग रूम की भी सफाई हो गई है। ये देखिए मैं जाले वगैरह उतार रही हूँ इससे, तो सारे ऊपर से ही सफाई हमेशा शुरू करनी चाहिए, तभी जो है नीचे बाद में आना चाहिए। जब ऊपर की डस्ट हट जाती है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन साफ़ हो जाता है, फिर नीचे की तरफ हम लोग को साफ़ करना चाहिए, यही प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो देखिए अब सारा पहले ऊपर से साफ़ कर रही हूँ मैं, तो ऊपर का पोर्शन पूरे साफ़ हो गया है, सारे जाले वगैरह, सारी डस्ट वगैरह सब निकल गई है। देखिए ये जो ऊपर से किनारी होती है ना, इसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और अब मैं आ गई हूँ नीचे सोफ़े के पीछे से सफाई कर रही हूँ, इसको भी बहुत दिन हो जाते हैं हम लोग साफ़ नहीं करते हैं, तो देखिए कितना डस्ट, कितना कूड़ा है इसके अंदर, तो इसको भी ये मेरी हाउस हेल्पर साफ़ कर रही है। देखिए सारा झाड़ू से सारा कूड़ा वगैरह, सारा किनारे से सब सफाई हो जाएगी इसकी भी। देखिए बढ़िया तरीके से सफाई हो रही है, दिवाली की जैसे सफाई की जाती है ना, उसी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए कितना क्लीन हो गया, पोछा वगैरह लग गया। अब जो है वहाँ अपना सोफ़ा के जो है अपना सेट कर देंगे। और इधर मैंने पर्दे वगैरह भी वॉश करना शुरू कर दिए हैं, तो सारे पर्दियों के जो जितने छल्ले हैं ना, उसको डोरी से बांध देंगे। डोरी से बांधने से जो होता है, वॉशिंग मशीन में ये खुलते नहीं है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आप लोग भी जब भी पर्दे वगैरह वॉश करें तो इसी ट्रिक को फॉलो करें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको टाइटली बांधेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, और आपका एक भी छल्ला जो है इसका ख़राब नहीं होगा, एक भी निकल के टूटेगा वगैरह नहीं, जिससे
आपको बाद में बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ेगी। तो सारे बांध के मैंने सारे पर्दे घर के जितने थे वॉश कर लिए और उसको जो है बांध के वॉशिंग मशीन में डाल दिया दो दो तीन तीन करके और सब वॉश करके सुखा लिए। और अभी मैं दिखाऊँगी कि मैंने कितने बढ़िया तरीके से पर्दों को वॉश करके और अपना लगा भी लिए पर्दे। तो ये जो है अब मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी अच्छे से बांध के। इसको अच्छे से टाइटली दो से तीन चार गांठें लगा लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। तो अब मैंने सबको बांध दिया है और मैंने डाल के और इसको धो के सुखा लिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारे पर्दे वॉश हो गए। पहले दिखाई थी ना कितनी डस्ट थी और अब देखिए कितने बढ़िया चमचमा गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से लग रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है लगने के बाद। तो इसी तरीके से आप लोग भी वॉश करिएगा। हमारा तो पर्दों का काम भी ख़त्म हो गया है और अब मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक सोफ़े का। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सोफ़ा को भी क्लीन कर लिया है सारी डस्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया। हमारी दिवाली की सफ़ाई अच्छे से हो गई है। तो जितने एरिया की सफ़ाई हो गई थी वो मैंने आपको दिखाई और आगे भी मैं जब करूँगी तो आपको दिखाऊँगी और शेयर करूँगी कि मैंने और क्या क्या क्लीनिंग करी है और क्या क्या तैयारी करी। ये देखिए मेरी फ्रिज भी बिल्कुल क्लीन होगी। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से एक लाइक करिए और मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। Everybody's high.